हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेटिना ऑफ आई। तो आई में रेटिना कहाँ पर होता है? रेटिना आई की जो तीन लेयर्स होती हैं उनमें सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेटिना में लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी सेल्स होती हैं रेटिना में। जो लाइट है वो इस रेटिना की लेयर्स के थ्रू कैसे पास करती है और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं। फंक्शंस ऑफ पिगमेंटेड एपिथीलियम, इसमें अगर हम रेटिना में बाहर देखें तो पिगमेंटेड एपिथीलियम होती है, तो वो पिगमेंटेड एपिथीलियम का फंक्शन क्या होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ग्लायल एंड मुलर सेल्स क्या होती हैं और जो यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स हैं और गैंग्लियन सेल्स हैं उनके नंबर कितने होते हैं। ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला ल्यूटिया एंड फोविया सेंट्रलिस क्या होता है, कहाँ पर होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। एंड उसके बाद इसमें जो क्लिनिकल फिजियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं कि जो रेटिना है उससे रिलेटेड जो कॉमन डिजीज़ हैं या फिर जो इसमें अलग अलग डिजीज़ आएंगी रेटिना की वो कौन कौन सी हो सकती हैं, और उनके बारे में जस्ट 2-3 lines, क्योंकि फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के लिए आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये लेयर्स ऑफ रेटिना एग्जाम्स में डायग्राम भी आ जाता है लेयर्स ऑफ रेटिना में, इसलिए इस डायग्राम को बनाकर उसकी बार बार प्रैक्टिस करो और उसकी लेयर्स के नाम से आपको याद होने चाहिए किसके बाद क्या आता है। वैसे मैं बताऊंगी कि इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका क्या है, और ये एज अ शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि लेयर्स ऑफ रेटिना या फिर रेटिना पे एज अ शॉर्ट नोट आ जाता है। तो आप और वाइवा में भी जो इसके क्लिनिकल पॉइंट्स हैं या फिर जो इसमें अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, ग्लायल सेल्स कहाँ है, हॉरिजॉन्टल सेल्स का फंक्शन क्या है, मैक्राइन सेल्स का फंक्शन क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेटिना। रेटिना सबसे पहले है कहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आई की बात करूँ तो आई है, एक मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप इससे पुरानी पहली वाली जो वीडियो है मेरी इसको देख सकते हैं आई की, उसमें हमने बहुत ही एक अच्छा डायग्राम और उसको प्रॉपर इसकी क्या क्या लेयर्स हैं, आइरिस कहाँ है, लेंस कहाँ है, उसको डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो के लास्ट में हम उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, उसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको क्लिक करके उस वीडियो पर भी अच्छे से डिटेल में इसको देख सकते हो। तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना रही हूँ कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा, ये लेयर है स्क्लेरा। आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमारा इस जो आई में वाइटिश पार्ट है उसी को हम स्क्लेरा कहते हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर इसकी है स्क्लेरा। उसके बाद मिडिल लेयर जो होती है वो होती है कोरोइड, और वो काफ़ी वेस्कुलर होती है और पिगमेंटेड भी होती है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पर होती है आपकी कॉर्निया, सॉरी रेटिना। सो रेटिना क्या है? रेटिना इनर मोस्ट लेयर है आई की, सबसे अंदर की तरफ ही रेटिना होती है, ये हमारी पूरी रेटिना है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो रेटिना है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उसमें और उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसमें अगर आप सबसे बाहर देखोगे तो ये है पिगमेंटेड एपिथीलियम, ओके। तो पिगमेंटेड एपिथीलियम देखो तो कहाँ है, अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊँ तो जहाँ ये पूरी की पूरी कोरोइड है, तो जो अब सबसे अंदर वाली लेयर है यानी कि कोरोइड के पास वाली जो लेयर है यहाँ पर, यही हमारी पिगमेंटेड एपिथीलियम है। और रेटिना के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे देखो, अगर मैंने जो डायग्राम बनाया है कोरोइड में, जहाँ से कोरोइड शुरू हो रही है वहाँ से नहीं बनाया मैंने, उसको थोड़ा पीछे से बनाया है, तो ये जो है मतलब आपका 2/3 पोर्शन बनाती है, मतलब पीछे की तरफ पोस्टीरियर 2/3 पे ही सिचुएटेड होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो पूरी उसमें कोरोइड पूरे में है, स्क्लेरा भी पूरे में है, और जो हमारी कोरोइड होती है अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये एक स्वेल पोर्शन करके बना देती है और बाद में इसी से आयरिस बनती है, यहाँ पर ये आगे ऐसे करके आयरिस बनाती है। यहाँ पर हमारा बीच में लेंस होता है, ये लेंस होता है, और ये लेंस कोरोइड के ही जो ये स्वेल्ड पोर्शन है इससे अटैच रहता है। जस्ट मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये कॉर्निया कहलाती है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे जो रेटिना है वो पूरी लेयर में नहीं है, यहाँ तक नहीं है, थोड़ा पीछे से है, और वो पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन में ही रेटिना होती है। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, ये आगे का पार्ट है, जैसे अगर हमारी आई है आप इसको देखोगे, ये आगे का पार्ट है, वो पीछे का पार्ट है, ये डायग्राम हमने साइड से लिया हुआ है, यानी ये कॉर्निया आगे वाली चीज़ है वो कॉर्निया हो गई, पीछे वाला इस तरीके से पोर्शन बनाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे रेटिना आगे नहीं है, रेटिना पीछे है, यानी हमारी आईज में जो लाइट जाएगी वो ऐसे जाएगी थ्रू कॉर्निया,
ठीक है, थ्रू कॉर्निया जाएगी, फिर आगे बीच में लेंस मिलेगा उसको ऐसे, और फिर वो जाकर रेटिना पे पड़ेगी। तो जो भी लाइट रेज है वो इस तरीके से जाएंगी, ये एंटीरियर पोर्शन हो गया यानी आगे वाला, ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया मतलब पीछे वाला। तो अगर मैं बात करूँ रेटिना कहाँ है, पोस्टीरियर पोर्शन पे है आई के, ठीक है, ये आईबॉल हो गया, आगे कॉर्निया है, फिर लेंस मिलेगा, फिर पीछे जाकर ही आपको जो इनर मोस्ट लेयर है, क्योंकि जो बाहर की लेयर है वो तो स्क्लेरा हो गई ऐसे, और उसके बाद कोरोइड है, उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है यानी इनर मोस्ट लेयर, वही आपकी रेटिना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका डिसेक्शन करें और इसमें लेयर्स को देखें तो इसमें 10 लेयर्स मिलती है। देखो ये 1 to 10 तक हमने नाम दे रखे हैं, ये इसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट मिलता है सेल्स का, और इससे हमें टोटल 10 लेयर्स बन जाती हैं। तो उसमें मैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जो ये लेयर है ये आउटर हो गई, आउटर लेयर जो है वो पिगमेंटेड लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम है पिगमेंटेड लेयर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें क्वेश्चन भी है कि विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, दैट इज़ पिगमेंटेड एपिथीलियम, या फिर ये कह सकते हो कि विच इज द विच लेयर इज नियरेस्ट टू द कोरोइड, तो वो है आपकी पिगमेंट, मतलब विच लेयर ऑफ रेटिना इज नियरेस्ट टू द कोरोइड, यानी कोरोइड के सबसे पास रेटिना की कौन सी लेयर है, तो वो पिगमेंटेड एपिथीलियम है, ना कि रॉड्स एंड कॉन्स, यानी क्योंकि ये पिगमेंटेड एपिथीलियम रेटिना का ही पार्ट है, ध्यान रखने की बात है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊँ, तो फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें सिचुएटेड है। मैं इसका पूरा इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिगमेंटेड एपिथीलियम, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ समझाने के लिए। ये रेटिना है, अब इस रेटिना को हम लेयर्स में बना लेते हैं यहाँ पे। तो रेटिना में सबसे जो कोरोइड के पास है, यानी यही आउटर मोस्ट, ऐसे करेंगे ये आउटर मोस्ट, ये भी आउटर मोस्ट इधर की साइड की, और ये इनर मोस्ट होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये पिगमेंटेड एपिथीलियम है जो कि कोरोइड के पास है, उसके बाद रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर होती है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल बना देती हूँ, ये रॉड्स एंड कॉन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूँगी तो इस लेयर को भी मैं अगर डिटेल में बना लूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। तो जो ये आउटर पोर्शन है, ये आउटर है, ये इधर के लिए ये आउटर है, अंडरस्टैंड, ये इस तरीके अंदर की तरफ को पोर्शन को हम इनर पोर्शन कह रहे हैं। तो ये जो लेयर्स हमने बनाई हुई हैं ये ऐसे हैं, मतलब आउटर टू इनर, ऐसे आउटर टू इनर, तो यहाँ पे सारे में इस तरीके से फोटो रिसेप्टर्स होंगे अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपकी होंगी बाइपोलर सेल्स और उसके बाद होंगी गैंग्लियन सेल्स। तो सबसे पहले आप तीन लेयर्स याद रखें, यहाँ पे होंगी इस तरीके से बाइपोलर सेल्स, और उसके बाद देखो जो डायग्राम में कलर बना रखा मैं उसी से बना रही हूँ, उसके बाद होंगी आपकी गैंग्लियन सेल्स, ऐसे होता है अरेंजमेंट। और जो गैंग्लियन सेल्स हैं वो आपकी बनाती है नर्व्स, ऐसे गैंग्लियन सेल्स के जो एग्जॉन्स होते हैं वही ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, तो ये ऑप्टिक नर्व का पार्ट बनाएंगे। अब आपको समझ आ जाना चाहिए ये लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स हैं, ये बाइपोलर सेल्स हैं और ये गैंग्लियन सेल्स हैं। अब ऐसे इधर के लिए ये रॉड्स एंड कॉन्स हैं, ये बाइपोलर हैं और ये गैंग्लियन सेल्स हैं, और इन गैंग्लियन सेल्स के एग्जॉन्स मिलके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व ऐसे यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क से निकल जाती है। यहाँ पर देखो डायग्राम में यहाँ जो बन जाता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, और इस ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ही ये जो ऑप्टिक नर्व है ये बाहर निकल जाती है। अभी हम ऑप्टिक डिस्क को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ऑप्टिक डिस्क कहाँ होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, पर फिलहाल आप देखो अरेंजमेंट समझो पहले कि 10 लेयर्स हैं, उन 10 लेयर्स में हमारी कितने टाइप की सेल हैं, पहले तो हम बात करेंगे जो 1 to 1 आपस में कनेक्ट होती हैं। सबसे बाहर रॉड्स एंड कॉन्स हैं, ये रॉड्स एंड कॉन्स बने हुए हैं, बीच में बाइपोलर सेल्स हैं और ये गैंग्लियन सेल्स हैं, और ये गैंग्लियन सेल्स के ही एग्जॉन्स, देखो ये एक्चुअली क्या है, ये न्यूरल लेयर है, जो रेटिना है उसमें ये जो पार्ट है, ये जो सेल्स हैं रॉड्स एंड कॉन्स बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स, ये एक्चुअली न्यूरॉन्स ही हैं, दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स, तो इसलिए हम इसको न्यूरल टिश्यू कहते हैं, न्यूरल लेयर कहते हैं। तो ये गैंग्लियन सेल्स के सबके ना एग्जॉन्स, इसका भी सबका जो एग्जॉन्स हैं ये मिलके, ये एग्जॉन्स हैं गैंग्लियन सेल्स के, ये सारे के सारे मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं।
ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व ही है जो फाइनली यहाँ से निकलकर ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू ब्रेन के विजुअल एरिया में चले जाएंगे। विजुअल कॉर्टेक्स पीछे होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहाँ पर चली जाती हैं और वहीं से प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में, और तभी हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली देख पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो अभी मतलब जो लाइट रेज फाइनली पड़ेंगी वो रॉड्स एंड कॉन्स पे, यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स में मैकेनिज्म होती है जिसको हम फोटो ट्रांजेक्शन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फोटो ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैसे होता है। पर फिलहाल ये समझो रॉड्स एंड कॉन्स ही फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जो लाइट को रिसेप्ट करते हैं, सब चीज़ों के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं और वो रॉड्स एंड कॉन्स हैं, और जो कि रेटिना का जो आउटर मोस्ट है, क्योंकि हम देखो ऐसे इसको हम आउटर बोलते हैं, इसको हम इनर बोलते हैं, और आउटर इनर मैंने आपको बताया, देखो ये रेटिना है, रेटिना में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, इधर की जो सेल्स या इधर की जो लेयर होगी वो उसमें आउटर ये है, इनर ये है, यहाँ की जो होंगी आउटर और इनर, ऐसे ऐसे आउटर और इनर है। फाइनली सारे के सारे गैंग्लियन सेल्स की जो नर्व फाइबर्स हैं यानी एक्सॉन्स हैं जो, वो मिलके बना देंगे ऑप्टिक नर्व जो कि ऑप्टिक डिस्क के थ्रू बाहर निकल जाएगी आई में से। तो फिलहाल आपको आई थिंक इतना डिस्कस मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे लेयर्स कौन कौन सी हैं एग्जैक्टली। अभी तो हमने बात करी है कि भैया किस तरीके से अरेंज होती हैं, यानी जो लेयर्स है उसमें आउटर इनर सेल्स कौन सी हैं, किस तरीके से ये अरेंज्ड है। अब हम एग्जैक्टली बात करते हैं कि कितनी तरह की सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स हैं हमारी वो होती हैं रॉड्स एंड कॉन्स, और रॉड्स एंड कॉन्स ही हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी लाइट इन्हीं पर फाइनली पड़नी है और इन्हीं से इन्हीं को सेंस करना है। तो सबसे पहली है रॉड्स एंड कॉन्स, दूसरी सेल्स हमारी होती है बाइपोलर सेल्स, तीसरी होती हैं गैंग्लियन सेल्स, और गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वही कलेक्ट होके ऑप्टिक नर्व बताते हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखो बीच में है बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर का मतलब ये देखो यहाँ पर इसका जो है सेंट्रल पोर्शन है, ये इधर भी उतनी है उधर भी उतनी है, क्योंकि इसके दो पोल हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के, तो वही बाइपोलर है। वैसे एक्सॉन्स जैसे हम पढ़ते हैं ना किसी न्यूरोनल सेल्स के डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, पर इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो है उनका कोई क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे से है ये, ठीक है, ये बीच में बाइपोलर सेल्स हैं। तो बी फॉर बीच में और बी फॉर बाइपोलर सेल्स, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई बीच में बाइपोलर सेल्स होंगे, ठीक। अब ऊपर होगा रॉड्स एंड कॉन्स, क्योंकि फोटो रिसेप्टर है, रॉड्स एंड कॉन्स तो होना ही है, जो कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से कि आईज में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। अब उसके नीचे जो बची वो होगी गैंग्लियन सेल्स। तो सबसे पहले आप एग्जाम में जो डायग्राम बनाओ सबसे ऊपर बना दो पिगमेंटेड एपिथीलियम, रेड कलर से बनाना क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है, कलर्ड होती है थोड़ी सी है। दूसरा उसके बाद बना दो रॉड्स एंड कॉन्स, ये बन गई रॉड्स एंड कॉन्स, बीच में बना दो बाइपोलर सेल्स और नीचे बना दो गैंग्लियन सेल्स। तो इतना तो आप सिंपली पहले बना ही दो, ठीक है। अब हम उसको और पूरी बात करते हैं, क्योंकि हमें पूरी 10 लेयर चाहिए, 10 लेयर होती हैं हमारे रेटिना के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहली जो है ये रॉड्स एंड कॉन्स में क्या डिफरेंस है, देखो कुछ रॉड्स हैं कुछ कॉन्स हैं। अब रॉड्स एंड कॉन्स में क्या कर रखा है, रॉड्स एंड कॉन्स फोटो रिसेप्टर्स हैं। देखो नाम ये है रॉड, जो नाम है रॉड टाइप, यानी कि लकड़ी की तरह से जो रॉड होती है सीधी रॉड, स्ट्रेट रॉड की तरह इनका आउटर सेगमेंट होता है। देखो एक्चुअली क्या है, ये आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट होता है इन रॉड्स और कॉन्स दोनों का। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आउटर सेगमेंट होता है, ठीक है, और ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं इनर सेगमेंट। यानी कि रॉड्स एंड कॉन्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट। अब इनका जो नाम रखा गया है रॉड्स एंड कॉन्स, वो इनकी आउटर सेगमेंट की शेप के हिसाब से रखा गया है, बाकी फंक्शन भी है इनका डिफरेंट। तो जो रॉड्स होती हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, रॉड है आर, आर जो बने बनाया हुआ है वो रॉड्स हैं, तो कुछ इसमें आर बना दो रोड वाली, कुछ बना दो कॉन्स, लेकिन शेप को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। क्या डिफरेंट बनाना है, देखो रॉड्स का जो आउटर सेगमेंट है वो रॉड की तरह बना दो, ऐसे बना दो, उनमें ऐसे डैश 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 कर दो, ये रॉड की तरह है ऐसे। देखो अगर देखोगे ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई बराबर है, यानी जो विड्थ है इनकी पूरे में ऑलमोस्ट बराबर है आउटर सेगमेंट, उनके बीच में मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, दे आर स्टैक्स ऑफ सेक्यूल्स बोलते हैं या स्टैक्स ऑफ डिस्क बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, स्टैक्स ऑफ सेक्यूल्स की बनी हुई है ये, या फिर स्टैक्स ऑफ डिस्क
मतलब डिस्क टाइप से होते हैं, डिस्क ऐसे ऐसे डिस्क हैं, स्टैक मतलब एक दूसरे के ऊपर कंपाइल होना, जैसे हम सिक्कों के एक दूसरे के ऊपर, तो उनको बोलते हैं स्टैकिंग करना, एक दूसरे के ऊपर रखना चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से बनी है मेम्ब्रेन से, और किससे बनी है, ये मेम्ब्रेन से बनी है एक्चुअली, जो इसका आउटर सेगमेंट है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, या स्टैक्स ऑफ सेक्यूल्स बोल लो, स्टैक्स ऑफ डिस्क बोल लो उसको, ठीक। तो देखो ये तो रॉड की तरह सीधा सीधा बनाया है, जो कॉन्स होती हैं उनमें जो आउटर सेगमेंट है वो कॉनिकल शेप होता है। कॉन किसको बोलते हैं, देखो कॉन में क्या होता है, ऐसा होता है कॉन, ठीक है ना, कॉन की जो शेप होती है वो ये होती है, यानी एक जगह से इसकी विड्थ छोटी होगी, दूसरी जगह पे बड़ी होगी। तो एक्चुअली अगर जब डायग्राम आप बनाओगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर थोड़ा छोटा बनाना, और जैसे नीचे आओगे तो जो इनकी ऐसे करके मेम्ब्रेन बनाना है डायग्राम एग्जाम में, तो जो नीचे आते रहोगे इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है ना यहाँ से बढ़ाते चले जाना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो इसको हम और अच्छे से ऐसे थोड़ा सा विड्थ जो है ना बढ़ाते चले जाना, यानी अगर देखोगे ना थोड़ी सी कॉन शेप टाइप ऐसे, समझ रहे हो, इनकी जो शेप है वो बराबर है, यानी कि देखो ऐसे करके बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है जो रॉड्स हैं, कॉन्स थोड़ी सी कॉनिकल शेप में, इनका आउटर सेगमेंट होता है। जो इनर सेगमेंट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने दिखा रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं इनमें, और ये इनके आपके एग्जॉन्स हैं, यानी कि जहाँ पर सिनेप्स होता है। सिनेप्स आप जानते हो, दो न्यूरॉन्स के मिलने की जगह को हम सिनेप्स कहते हैं। तो एक का एग्जॉन और दूसरे का डेंड्राइट वहाँ पे मिलता है, और एक इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करने का काम करता है सिनेप्स। सिनेप्स कुछ नहीं है, दो न्यूरॉन के मिलने की जो जगह होती है उसी को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स की वीडियो को भी आप नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम में उनके सिनेप्स की वीडियोज़ को देख सकते हो, सिनेप्स की फिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे वो सिनेप्स काम करते हैं, वो जनरल बात कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ आ जाते हैं। तो आप रॉड्स एंड कॉन्स बना देंगे इस तरीके से। अब बाइपोलर सेल्स जब बनाएंगे तो दोनों बराबर बना देने हैं, इक्वल बना दो, डेंड्राइट्स भी एग्जॉन्स भी, और इसमें इसके एंडिंग्स बना दो। फिर आपकी होगी गैंग्लियन सेल्स, ये इसके एग्जॉन्स, वो डेंड्राइट्स हो गए, और एग्जॉन्स से फाइनली मिलके बनेगी ऑप्टिक नर्व। तो ये तो होगी आपकी तीन टाइप की सेल्स। अब उन तीन टाइप में दो सेल्स और होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेल और एक होती है एमेक्राइन सेल। तो अब हमारे पास पांच टाइप की सेल्स हो गई, तीन तो ये हो गई, मतलब तीन कह लो, चाहे रॉड्स एंड कॉन्स को अलग मान लो, चाहे एक मान लो फोटोरिसेप्टर के अंदर डाल लो, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेल्स और एक होती है एमेक्राइन सेल्स। देखो अगर ध्यान से देखोगे, बीच में तो बेचारी बाइपोलर है ही है, ये हॉरिजॉन्टल सेल है और ये एमेक्राइन सेल है, ठीक। तो सिंपल बात है, देखो हॉरिजॉन्टल सेल जो है ना उसको हमने ऐसे बना रखा है, इसका एक्चुअली एग्जॉन्स बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं होता, इसमें एक तरह से डेंड्राइट्स ही हैं या फिर इसकी ब्रांचिंग है। तो देखो हॉरिजॉन्टल सेल ऊपर वाली सेल को आपस में जोड़ रही है, एमेक्राइन सेल नीचे वाली सेल को आपस में जोड़ रही है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब बाइपोलर को तो छोड़ दो, सबसे ऊपर वाली सेल कौन सी थी, रॉड्स एंड कॉन्स थी, नीचे वाली सेल कौन सी थी, गैंग्लियन सेल्स थी, बीच में बाइपोलर है। तो जो हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं वो इन रॉड्स एंड कॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आप देखो इनके डेंड्राइट से बनाओगे तो ये ना आपस में एक दो तीन जगह पहुंचा दो, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे से ब्रांचिंग करके, यानी हॉरिजॉन्टल सेल्स जो है वो रॉड्स एंड कॉन्स का आपस में एक कनेक्शन बना रही है। ऐसे ही एमेक्राइन सेल्स जो हैं उनकी जो प्रोसेस बनाओगे आप, उन प्रोसेस को जो गैंग्लियन सेल्स हैं ना उनमें पहुँचा दो अलग अलग जगह पे, एक बना दो, दो बना दो, ऐसे मतलब ये कम होती है कंपैरेटिवली उनसे जो गैंग्लियन सेल्स हैं या ये वाली सेल्स हैं, ये क्योंकि जोड़ने का काम कर रही है आपस में। तो याद रखने के लिए क्या हो गया, अब हॉरिजॉन्टल सेल का काम है टू कनेक्ट वन फोटोरिसेप्टर टू अनदर फोटोरिसेप्टर, यानी एक फोटोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर क्या रॉड्स एंड कौन सी है ना, तो टू कनेक्ट वन फोटोरिसेप्टर टू अनदर फोटोरिसेप्टर, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है, या कह लो हॉरिजॉन्टल सेल्स एज अ फंक्शन टू कनेक्ट द फोटोरिसेप्टर विद ईच अदर, कुछ भी बोल दो। अब आता है एमेक्राइन सेल्स, अभी मैंने बताया ये किसको कनेक्ट करेंगे, नीचे वाली सेल्स को, नीचे वाली सेल्स कौन सी है, गैंग्लियन सेल्स, देखो बी फॉर बाइपोलर, बीच में बाइपोलर है, ऊपर रॉड्स एंड कौन से, नीचे गैंग्लियन सेल्स, इसको नहीं भूलना। अब एमेक्राइन जो सेल्स होती हैं दे कनेक्ट गैंग्लियन सेल्स विद ईच अदर बोल लो, या वन गैंग्लियन सेल टू अनदर गैंग्लियन सेल, ओके। तो सिंपल तरीका है, तीन सेल बनाओ हॉरिजॉन्टल को आपस में कनेक्ट कर दे फोटोरिसेप्टर्स को, एमेक्राइन कनेक्ट कर रहे हैं गैंग्लियन सेल्स को आपस में, ठीक है। इसके साथ साथ इनके कुछ फाइबर्स थोड़े से आउटपुट जो है जो बाइपोलर सेल्स हैं उनको भी दे देते हैं ऐसे,
अब इसी को मैं ग्रीन, अभी मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल, ग्रीन से आपस में ग्रीन से बना दो इसी से, सेम उससे सेम कलर से, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही जो एमेक्राइन है इसके जो फाइबर्स हैं वो कुछ जो है, देखो मैंने इधर सॉरी बाइपोलर में ना बनाओ इसको, हाँ सॉरी बाइपोलर में, कुछ बाइपोलर्स को भी चले जाएंगे, इसके गैंग्लियन को तो जा ही रहे हैं, कुछ बाइपोलर को भी चले जाएंगे। तो ये जो है ना एक्चुअली आपस में तो कनेक्ट कर ही रहे गैंग्लियन सेल्स को, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जैसे अब ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं ये बाइपोलर सेल्स को भी कुछ कनेक्शन देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सिग्नल आ रहा है ना ऊपर से भाई 1-to-1 ऐसे सिग्नल आएगा ना, यहाँ से आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं इस सिग्नल को मॉडिफाई करने का काम करता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है, वहाँ बहुत सारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो एक तो ये कनेक्ट करते हैं आपस में, दूसरा ये क्या काम करते हैं, दे मॉडिफाई सिग्नल्स, ये भी और ये भी, दोनों ही सिग्नल्स को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, सिग्नल्स को आपका मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो अभी तो आपने ये सेल्स पढ़ ली, अच्छा जी अब आ जाओ आप लेयर्स पे। अभी तक हमने अपने डायग्राम में, मान लो मैंने तो पूरा डायग्राम बना रखा है, बस लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स इसमें नहीं अभी शो करी है, पर अभी तक आप ये समझो क्योंकि आपने तो बाइपोलर बनी है ऊपर पढ़ी है रॉड्स एंड कॉन्स, जो आप डायग्राम में बना लोगे सबसे पहले बनाओगे पिगमेंटेड एपिथीलियम, फिर उसके नीचे रॉड्स एंड कॉन्स बना दोगे शेप के हिसाब से, मैंने बता दिया आपको, फिर आप बनाओगे बाइपोलर सेल्स वो भी हमने डिस्कस कर ली, फिर ये बनाओगे गैंग्लियन सेल्स और उनके बीच में इधर हॉरिजॉन्टल लगा दोगे इसे एमेक्राइन। तो अब आपकी यहाँ तक सेल कंप्लीट हो गई। अब आपकी जो लेयर्स हैं, देखो आउटर लेयर पिगमेंटेड है जो हम पढ़ चुके हैं अभी, हालांकि अभी हम पिगमेंटेड एपिथीलियम का और थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे कि क्यों है ये, क्या रीज़न क्या है, उससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी लेयर्स को। रॉड्स एंड कॉन्स हैं एक अलग बात है, अलग से उधर बना दो, आउटर सेगमेंट है इनर सेगमेंट है, ठीक। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इनके, मतलब जो पिगमेंट होता है फोटो पिगमेंट यानी रोडोप्सिन, तो उसमें जो है वो आउटर सेगमेंट में होगा, उसको हम ट्रांसडक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल समझ लो जो आउटर सेगमेंट होता है यहीं पर आपका फोटो पिगमेंट्स होता है, ठीक है। अच्छा तो पिगमेंटेड एपिथीलियम होगी, रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर भी आपने पढ़ ली। अब आती है, इसको छोड़ दो भी बीच में, अब एक है आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो ऐसा है, सबसे पहले आप देख लो, देखो दो जगह प्लेक्सिस बन रहे हैं, प्लेक्सिस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे जो नर्व की एंडिंग्स हैं वो आपस में मिलती हैं और ब्रांच करती हैं। तो देखो इसमें आपको पूरे में दो ही प्लेक्सिस दिख रहे हैं, कि प्लेक्सिस यहाँ पर हो रहा है, एक प्लेक्सिस यहाँ पर हो रहा है, तो सेम नाम हो गया आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ये इनर प्लेक्सीफॉर्म। आउटर इनर क्यों कह रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये कोरॉइड के पास होती है आउटर है, और ये वाली लेयर इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना, वहीं से ऑप्टिक नर्व निकल के बाहर निकल जाएगी, तो ये इसलिए आउटर वार्ड बोला इधर वाली को, इस वाली को हमने इनर बोल दिया। तो ठीक है अब आप दो लेयर बना दो यहाँ पर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, ये होगी इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। अब आपको क्या, देखो जो उसके नीचे है इनर प्लेक्सीफॉर्म के नीचे जो है ना, वो गैंग्लियन सेल लेयर को हमने अलग रखा है इसमें, इसको कुछ अलग से नहीं है, मतलब अभी बताऊंगी कैसे। गैंग्लियन सेल लेयर इसके नीचे है गैंग्लियन सेल्स की, और क्योंकि ये एक्सॉन्स जो है नर्व फाइबर बना रहे हैं, ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं, इनका नाम हमने ऑप्टिक मतलब सॉरी नर्व फाइबर लेयर बना रखा है, इसका नाम हो गया नर्व फाइबर लेयर और गैंग्लियन सेल लेयर। तो नीचे होगी आपकी गैंग्लियन सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर। अब देखो प्लेक्सीफॉर्म बना दिया आपने, इस प्लेक्सीफॉर्म के ऊपर जो है ये जो आपको थोड़े से राउंडेड से एरिया दिख रहे हैं, न्यूक्लियस है, किसके न्यूक्लियस है, रॉड्स एंड कॉन्स के, तो इसको हमने बोला आउटर न्यूक्लियर लेयर, जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स के न्यूक्लियस है। अगर इस प्लेक्सीफॉर्म आउटर प्लेक्सीफॉर्म से मैं नीचे जाऊँ तो मुझे बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये इनर न्यूक्लियर लेयर है। आउटर वाली इधर होगी क्योंकि आउटर बोल रखा मैंने, इनर वाली हम क्योंकि इधर की तरफ की चीज़ को इनर मोस्ट लेते हैं, तो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के बाहर होगी आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म के अंदर की तरफ होगी इनर न्यूक्लियर लेयर। तो अगर ये होगी इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, तो अगर मैं अभी तक बात करूं, मैंने पिगमेंटेड एपिथीलियम बात कर ली, रॉड्स एंड कॉन्स बात कर ली, आउटर न्यूक्लियर लेयर मुझे समझ आ गई, कौन है आउटर न्यूक्लियर लेयर, रॉड्स एंड कॉन्स के न्यूक्लियस। आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी मुझे समझ आ गया कहाँ पे बन रही है, जो एग्जॉन्स एंडिंग है रॉड्स एंड कॉन्स के और बाइपोलर के डेंड्राइट्स, और वहीं पर हॉरिजॉन्टल का भी कनेक्शन होता है, ये बन गया आउटर प्लेक्सीफॉर्म। उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर कौन बना रहा है, बाइपोलर जो सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कौन बनाता है, जो अंदर वाला प्लेक्सिस बन रहा है, किससे बन रहा है, ये एग्जॉन्स हैं इसके, एग्जॉन्स कह लो वैसे तो, पर एग्जॉन्स और डेंड्राइट्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं होता बाइपोलर में, तो ये जो है आपके बाइपोलर सेल्स के डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स, ये भी यहाँ पर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बना रहे हैं, और वहीं पर एमेक्राइन सेल्स के प्रोसेस भी हैं। अंडरस्टैंड, थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि हम इसको कम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद गैंग्लियन सेल लेयर आएंगी क्योंकि गैंग्लियन सेल हैं, उसके बाद
नर्व फाइबर लेयर है जो एक्सॉन्स होते हैं गैंग्लियन के, वो मिला के बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, इसलिए वो नर्व फाइबर लेयर है। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें बच गई, बाकी हमने डिस्कस कर लिया लेयर कैसे याद रखेंगे। एक एक्सटर्नल लिमिटिंग है, एक इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। तो देखो, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन तो सबसे अंदर होगी, इसलिए इसको याद करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, अब एक होती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वो कहाँ होती है? देखो ऐसा है, यहाँ पर तो एक लेयर होती है ये वाली ऐसे, जो है हमारी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और एक लेयर आपकी यहाँ पर होती है, यहाँ बनाती है लगभग वो लेयर। कहाँ पर? देखो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो, जहाँ जहाँ से भी कोई लेयर का नाम शुरू हो रहा है वहाँ तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो लेयर है ये आपकी आउटर न्यूक्लियर लेयर है, जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स के न्यूक्लियस हैं, ये आपकी आउटर न्यूक्लियर लेयर है, तो इसमें तो बना नहीं सकते हम। अब इसके ऊपर ही होती है वो, यानी यहाँ पर होती है कहीं पर, ये बनती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये बहुत सारी बुक्स में एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन का नाम तो दिया है, पर डायग्राम्स में नहीं बना रखा। तो मैंने बहुत सारी बुक्स को सर्च किया, फिर मुझे एक दो बुक्स में ये मिली कि इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन का डायग्राम में कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर 10 लेयर बना रहे हो तो 10 तो आपको शो करनी पड़ेगी ना कहाँ है वो, नहीं तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो गए और वो लेयर्स कभी बन नहीं पा देंगी। तो यहाँ याद रखना है, ऐसे आप एक अलग कलर से बनाओगे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर है, उसको कोई याद करने में बड़े कुछ काम नहीं है। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और समझने के लिए आसान भी है कि जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है उसके जस्ट ऊपर होती है यहाँ पर। अब ये कैसे बनती है? देखो ऐसा है, जो ये सारी की सारी न्यूरोनल सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच बीच में कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, और वो जो है न्यूट्रिशन का भी काम करती है, उनको हम कहते हैं ग्लायल सेल्स। देखो नर्वस सिस्टम में नॉर्मल में भी जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनको ग्लायल सेल्स कहते हैं, तो यहाँ पे भी उनका नाम ग्लायल सेल्स है, पर यहाँ पर उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कुछ सेल्स को, जिनका नाम है मुलर सेल्स। तो इनके बीच में कुछ जो आप लिखने के लिए एग्जाम में कैसे लिखोगे, इन बिटवीन दी न्यूरोनल लेयर ऑफ दी दिस न्यूरोनल लेयर ऑफ द रेटिना देर आर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स विच आर सपोर्टिंग सेल्स एंड हैव अ न्यूट्रिटिव फंक्शन एज वेल, दे आर नोन एज ग्लायल सेल्स एंड मुलर सेल्स। तो कुछ कुछ बुक्स में ग्लायल सेल्स एंड मुलर सेल्स दे रखा है, कुछ कुछ बुक में अलग अलग दे रखा है इनको, तो देखो कुछ नहीं है, फंक्शन ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। तो ग्लायल सेल्स होती हैं वो, और मुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ जो ये सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, याद रख लो कि जो ग्लायल सेल्स हैं, आप ऐसे अलग अलग भी याद रख सकते हैं, जो ग्लायल सेल्स हैं मतलब वो भी एक टाइप की ग्लायल सेल्स हैं एक्चुअली मुलर सेल्स, जो ग्लायल सेल्स हैं वो सपोर्टिंग काम करती हैं, यानी सपोर्ट करती है, दे आर सपोर्टिंग सेल्स, और रेटिना को एक्चुअली जो रेटिनल लेयर्स हैं उनको अपनी जगह पे रखने का काम भी करती हैं, ठीक है ना। अपनी जो सेल्स जो रेटिना है, देखो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है रेटिनल डिटैचमेंट, तो रेटिना अपनी जगह से हट जाता है, उसका कुछ पार्ट हट जाता है, तो वो ब्लाइंडनेस कॉज करता है, यानी कि हटता भी है ना, अब रीज़न चाहे कुछ हो, उसके कॉजेज हम बाद में देखेंगे थोड़े से क्लिनिकल पॉइंट्स में रेटिनल डिटैचमेंट क्यों हो सकता है, पर ये है कि जो रेटिना है वो अपनी जगह पे वहाँ रहना चाहिए, है ना। और ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन है ये, और ये जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी है, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और बहुत ही थिन लेयर होती है रेटिना की जो है। तो ये इसको जगह पे रखने के लिए कुछ सेल्स चाहिए हमें, वो है ग्लियल सेल्स या फिर सपोर्टिंग सेल्स, उनमें से कुछ स्पेसिफिकली मॉडिफाई हो जाती है जिनको हम मुलर सेल्स बोलते हैं। और ये जो मुलर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये प्रोसेस बनाती हैं अलग अलग लेंथ के, प्रोसेस ऑफ वेरिंग लेंथ, वेरिंग लेंथ मतलब अलग अलग, वेरिंग लेंथ एंड शेप, है ना, अलग अलग लेंथ के अलग अलग शेप के कुछ प्रोसेस बनाती हैं, और उन प्रोसेस की वजह से ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स बनती हैं, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ओके, तो कौन बना रहा है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दोनों ही मुलर सेल्स बना रही हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, ये बनाता है आपका मुलर सेल्स। अब एक क्वेश्चन और है, जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो किससे किसको सेपरेट रखती है, रेटिना को किस चीज़ से सेपरेट रखती है? तो देखो अगर मैं बात करूँ आपसे नॉर्मल आई की, ये आई है, आई में यहाँ रेटिना है अंदर की तरफ, अब जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो कहाँ है, वो सबसे अंदर है, मतलब यहाँ रॉड्स एंड कॉन्स होंगे, अभी बताया था ना मैंने, रॉड्स एंड कॉन्स होंगे, बाइपोलर सेल्स होंगे, फिर गैंग्लियन सेल्स होंगे, है ना, ये रॉड्स एंड कॉन्स हो गए,
बाइपोलर हो गए, गैंग्लियन हो गए, ऐसे इधर से भी उठ के आ रहा है, ऐसे चारों तरफ से उठ के आ रहा है पेरिफेरी से। तो ये इनर मोस्ट होता है, ये आउटर मोस्ट होता है। अब इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहाँ है, जो सॉरी पी बना दिया, गैंग्लियन सेल्स है जी, है ना, जो गैंग्लियन सेल्स हैं उन्हीं के जो फाइबर्स हैं जो हैं वो मिला के बनाते हैं नर्व्स। ऐसे यहाँ पे भी कुछ और होंगी, उनके भी जाके ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे ऑप्टिक नर्व से भी अंदर है ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ है कहीं, यहाँ बना रही है, इस तरह से बन रही है ये। तो ये किसको किससे अलग रखती है, यहाँ कौन है बीच में, यहाँ है विट्रियस ह्यूमर। ये तो इसके पास चला गया, क्योंकि डायग्राम छोटा है, हमारे पास जगह नहीं है बनाने के लिए। पर ये देखोगे तो ऐसे जाएगी ना, ये यहाँ कहीं लेंस होगा। अब लेंस के पीछे पीछे कौन होता है, विट्रियस ह्यूमर, और यहाँ आगे कौन होता है, एक्वस ह्यूमर। लेंस के आगे एक्वस, ए फॉर आगे, ए फॉर एक्वस ह्यूमर, लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर। तो अगर आप देखोगे जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, इट सेपरेट्स द रेटिना फ्रॉम, इट सेपरेट्स द रेटिना फ्रॉम विट्रियस ह्यूमर। समझ में आ गया कैसे सेपरेट कर रही है। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन किसको सेपरेट रखती है, रेटिना को, जो विट्रियस ह्यूमर है, यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर पड़ा हुआ है, उससे सेपरेट करने का काम करती है। देखो ये तो मैंने लेयर्स के हिसाब से बता दिया, पर जब आप ग्रॉसली की बहुत छोटी मेम्ब्रेन है तो ग्रॉसली तो ये ऐसे दिखती है ना, यहाँ पर यही रेटिना है ऐसे, तो यहाँ पर विट्रियस ह्यूमर है, तो रेटिना को विट्रियस ह्यूमर से इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन अलग करके रखने का काम करती है। ठीक है, तो अब आई थिंक लेयर्स आपको समझ आ चुकी हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। इनके डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करो और इसकी शेप, रॉड्स एंड कॉन्स की सही से बनाने की कोशिश करो एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत इजी है बनाना। रॉड्स एंड कॉन्स बनाओ, बाइपोलर बनाओ, गैंग्लियन बनाओ, बीच में हॉरिजॉन्टल और एमेक्राइन डालो, और फिर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाओ, फिर इनके नाम रख दो। ठीक है, तो ये आपकी 10 की 10 लेयर्स हो गई है। तो हमने लेयर्स पढ़ ली, हमने अब अगली चीज़ है पिगमेंटेड एपिथेलियम का क्या काम है और लाइट कैसे ट्रेवल होती है। देखो ये लेंस है, यहाँ से लाइट ऐसे आती है, ये इनर मोस्ट लेयर बना रही हूँ मैं रेटिना, क्योंकि अभी हम रेटिना ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से लाइट इस रेटिना पे आके पड़ती है और जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बात करूँ, ये आउटर मोस्ट है और ये इनर मोस्ट है। अगर मैं इसमें डायग्राम में बनाऊँ तो यहाँ पर कहीं रॉड्स एंड कॉन्स रही होंगी और यहाँ पर गैंग्लियन सेल्स, ये रॉड्स एंड कॉन्स, ये गैंग्लियन सेल्स। अगर मैं पेरिफेरी से पूरा ऐसे ले लूँ तो ये रॉड्स एंड कॉन्स ऐसे होती हैं, गैंग्लियन सेल्स इस तरीके से होती हैं। तो जो लाइट पड़ रही है, अगर आप ढंग से देखोगे, रॉड्स एंड कॉन्स पे जाना है, फाइनली मैंने आर ही बना दिया, आर और सी में कन्फ्यूजन ही नहीं, रॉड्स ही समझ लो अभी, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो कि जो लाइट पड़ रही है बाहर से, कोई ऑब्जेक्ट होगा, लाइट, जैसे लाइट बनेगी, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी थ्रू कॉर्निया, फिर जाएगी लेंस पे, यहाँ से फोकस होएगी और ये आपकी रेटिना पे जाएगी, जहाँ पे भी बनना है रेटिना पे। ठीक है, अब अगर देखोगे तो ये थ्रू गैंग्लियन सेल्स, बीच में बाइपोलर सेल मिलेंगी उन्हें, और फिर रेटिना पे जा रही है। तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो जो लाइट है एक्चुअली वो ऐसे जा रही है, समझ आ रहा है, यानी लाइट जो है वो ऐसे नहीं जा रही, लाइट जो है आपकी ऐसे जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने कोने में एक डायग्राम बना दिया एरो, लाइट ऐसे हर जगह से जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, लाइट ऐसे जा रही होगी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अगर आप देखो तो लाइट को पहुंचना तो रॉड्स एंड कॉन्स के पास है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर इसको यहाँ मिलेगा आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स पे, और वहीं जो फोटो रिसेप्टर है उसी में मैकेनिज्म होगी और उसी से इंपल्स जनरेट होगी, और तभी प्रोसेस फाइनल आगे चल के हमें दिखाई देगा, फाइनल वीजल कॉर्टेक्स तक आपको इंपल्स पहुंचानी है और तब वहां प्रोसेस होकर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। तो जो लाइट है वो लाइट बहुत सारी लेयर्स से होकर गुजरती है टू रीच अप टू द फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कॉन्स। कौन कौन सी लेयर से, गैंग्लियन सेल लेयर से, ये आपका इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से, ये सारी की सारी लेयर से, बाइपोलर सेल से, फाइनली जाकर यहाँ पर ये आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स में जाएगी। तो ये आपका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि लाइट ऐसे जा रही है, इंपल्स यहाँ जनरेट हो रही है, और जब इंपल्स जनरेट हो गई वो वापस पास होके ऐसे आ रही है, वापस जो इंपल्स जनरेट होगी वो फिर यहाँ से आएगी, बाइपोलर सेल में पास होगी, गैंग्लियन सेल में पास होगी, ऑप्टिक नर्व में पास होगी, फाइनली चली जाएगी टू द, कहाँ चली जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स।
अंडरस्टैंड, और तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देगी। तो ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइट ऐसे जा रही है, इंपल्स बन के यहाँ से ऐसे पास होके ऐसे विजुअल कॉर्टेक्स में जा रही है। अब देखो होता क्या है, इतनी सारी लेयर्स से पास होती है तो इसका नुकसान है फ़ायदा है क्या है, देखो होता क्या है। अब ये लाइट यहाँ से पास होकर जा रही है गैंग्लियन से, बाइपोलर से, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो कम होएगी होएगी यहाँ तक आते आते इसकी इंटेंसिटी। लेकिन क्योंकि ये बहुत थिन है तो इसकी जो सेल्स हैं ये भी बड़ी थिन ही हैं, छोटी छोटी होंगी, पतली पतली सी, बहुत थिन है। और ये जो सेल्स हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट भी हैं इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क विजन पे नहीं पड़ता है इस लेयर्स की वजह से। अब क्या होता है कि देखो कुछ तो ठीक है, इनके बीच बीच में से सेल जा रही है, मतलब लाइट जा रही है, आई मीन टू से ये लाइट जा रही है, वाली लाइट की मैंने एरो बना रखी है। पर क्या है कि यहाँ से भी कुछ लाइट जाएगी बीच में से, जो कि यहाँ जा चली जाएगी, इधर रॉड्स एंड कॉन्स पे टकराई ही नहीं, सीधी यहाँ चली गई। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन है, ये फालतू जो लाइट है, ये जो हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेने का काम करती है। अब एब्जॉर्प्शन क्यों कराना है, मत कराओ भाई एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कराने की ज़रूरत है, तभी तो ये पिगमेंटेड एपिथेलियम है। अब क्या ज़रूरत है, देखो अगर यहाँ पर ये एपिथेलियम लेयर ना होती और ये एब्जॉर्ब ना कराते तो क्या होता, जो भी लाइट यहाँ बीच में पड़ रही है वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर जाती इधर उधर उधर उधर, ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्शन होता है, जो भी लाइट यहाँ बीच बीच जगह पर पड़ रही है उसका ये जो है रिफ्लेक्शन होता है। और कुछ लाइट ऐसा भी होता है कि यहाँ चली गई पर सारी लाइट यूज़ नहीं हुई, थोड़ी बहुत यहाँ चली गई, फिर उसका रिफ्लेक्शन होता, इसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होता है। जो इमेज का फॉर्मेशन का फंडा होता है फिजिक्स का, उसमें आपको पूरे प्रॉपर लाइट्स चाहिए, उनकी पूरी शार्पनेस चाहिए होती है, तभी एक शार्प इमेज बनती है। तो हमें अननेसेसरी जो रिफ्लेक्शन है उसे नहीं होने देना होता, इसलिए टू प्रिवेंट द ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग का मतलब धुंधला दिखाई देना, ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्लरिंग ऑफ विजन दिस पिगमेंटेड एपिथेलियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच फॉर वाई वाई क्यू दिस वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब द अननेसेसरी लाइट, टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो आपको समझ आ गया कैसे डायरेक्शन होती है, कैसे लाइट आती है और कैसे वापस इंपल्स जाती है। तो अब लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू सेवरल लेयर्स, और इस फंक्शन क्या है पिगमेंटेड एपिथेलियम का, अब इस पिगमेंटेड एपिथेलियम के हम थोड़े से और फंक्शन देख लेते हैं। पिगमेंटेड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए है ये। तो ये करती क्या है, इट एब्जॉर्ब नॉट रिक्वायर्ड लाइट या एक्स्ट्रा लाइट, इट एब्जॉर्ब लाइट रेज। लाइट रेज क्या है, फोटॉन्स होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फोटॉन्स को ही हम लाइट रेज, एक्चुअली फोटॉन्स की बनी हुई होती है, फोटॉन्स उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लाइट का, है ना, जैसे कोई भी चीज़ है वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी हुई होती है चीज़ें, लाइट जो होती है फोटॉन्स की बनी है, तो फोटॉन्स है एक्चुअली, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ये, एक काम तो ये हो गया इसका। उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने से क्या होगा, देर इज अ प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लरिंग ऑफ विजन। ब्लरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया धुंधलापन, ब्लरिंग ऑफ विजन, तो ब्लरिंग ऑफ विजन नहीं होने देती। इसलिए अगर किसी के केस में कॉन्जेनाइटल पिगमेंटेड एपिथेलियम एब्सेंट है तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, या फिर इसमें जो पिगमेंट होता है, एक्चुअली इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, इसमें मिलेनोसाइट्स होती हैं और मिलेनिन पिगमेंट होता है जो ये काम कराता है, इसमें होती हैं मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स क्या होती हैं, जिनमें मिलेनिन होता है वो सेल्स होती हैं, उनको साइट्स को मतलब सेल्स होता है, और इसमें मिलेनिन पिगमेंट होता है, ठीक है। तो जो एल्बिनोज होते हैं, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म एक बीमारी है जिसमें मिलेनिन नहीं होता बॉडी में, तो आपने देखे होंगे जो वाइट वाइट से होते हैं, उनकी स्किन भी वाइट होते हैं देखने में, ओके, और उनको जो आईज होते हैं ऐसे रखते हैं वो, क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है बार बार, इसलिए ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, इसलिए वहाँ को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं जिससे कि जो लाइट की इंटेंसिटी आँखों में कम जाए, रिफ्लेक्शन ना हो, ब्लरिंग कम हो कंपैरेटिवली, और उनमें विजन प्रॉब्लम फिर भी होती है। उनको क्या प्रॉब्लम होती है विजन की, देखो आई पूरी बॉडी में भी मिलेनिन नहीं है, और ये एल्बिनोज जो होते हैं, एल्बिनो बोलते हैं उनको, एल्बिनिज्म तो बीमारी का नाम हो गया, इन लोगों को एल्बिनो बोलते हैं, वाइटिश दिखते हैं पूरी, मतलब उनकी पूरी स्किन ही वाइट वाइट दिखती है, मिलेनिन नहीं होता उनमें। तो इसमें आई के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या मिलेंगे, इनमें एक तो मिलता है फोटोफोबिया,
फोटोफोबिया का मतलब होता है, फोबिया का मतलब डरना लाइट से, तो इनको बहुत ज़्यादा रोशनी में जाने में डर लगता है, उनको परेशानी होती है, उनसे पेन होता है, उनको दिक्कत होती है जब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो कम लाइट में रहना पसंद करते होते हैं, फोटोफोबिया लाइट से डर लगना। और इनको प्रिवेंशन करने के लिए क्या कहते हैं, भाई चश्मा लगा के चलो, थोड़ा जो धूप वाला चश्मा होता है, थोड़ा काला चश्मा होता है, उससे क्या होगा, जो थोड़े कलर वाले जो चश्मे होते हैं धूप वाले, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ लाइट्स को, लाइट कम जाने देते हैं आँखों पे। यही तो फंक्शन है जो आपके जो गॉगल्स होते हैं, सनग्लास होते हैं, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं लाइट की जो इंटेंसिटी उसको कम कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन कम होगा, उन्हें थोड़ा आराम रहता है उसमें, तो उनमें जो है ना फोटोफोबिया होता है, ये तो इससे रिलेटेड है। बाकी और भी इनमें प्रॉब्लम होते हैं, निस्टैग्मस होता है, निस्टैग्मस क्या चीज़ होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, कई बार वो थोड़े कंपैरेटिव मतलब डिक्रीज विजन भी होता है। निस्टैग्मस क्या होता है, जो आई की जो ब्लैकिश पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वो क्योंकि उनकी गेज करने में दिक्कत होती है, बिकॉज मिलानिन भी नहीं है, लाइट की गेजिंग, उनमें आई की और प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। तो निस्टैग्मस होता है आपका मतलब साइड टू साइड मूवमेंट और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल होता रहता है, ये ब्लैकिश पोर्शन है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये स्टेबल नहीं होता, इधर उधर उधर और आगे पीछे थोड़ा हिलता रहता है जो आई है, जैसे हम के सामने देख रहे हैं हमारी आई फिक्स हो गई, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर से ये हिलती रहती है आईज, ठीक है। तो ये उनमें निस्टैग्मस भी होता है, पर ठीक है निस्टैग्मस और याद ना रहे, लेकिन आपको ये ब्लरिंग ऑफ विजन तो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये रीज़न आपको समझ आ गया है क्योंकि इनमें जो पिगमेंटेड एपिथीलियम है वो ढंग से काम नहीं कर रही, क्योंकि उसमें मेलानिन नहीं है या फिर मेलानिन कम है उनमें, ठीक है, और उसकी वजह से फोटोफोबिया हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार, उनको ब्लरिंग हो रही है, उनको देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो यानी कि जो पिगमेंटेड एपिथीलियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिगमेंटेड एपिथीलियम के दो फंक्शन और है, एक तो दो तो हमने यहाँ पढ़ लिए, मतलब एक तो पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया, दूसरा जो फंक्शन है वो फैगोसाइटोसिस का होता है, तीसरा फंक्शन होता है विटामिन ए को स्टोर करने का काम करता है। फैगोसाइटोसिस किसका होता है भाई, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना, खा लेना जो बेकार चीज़ है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ से खा लिया जाए, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो ये पिगमेंटेड एपिथीलियम है ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, किसका, एक्चुअली होता क्या रहता है, जो आउटर सेगमेंट है ना ये मेम्ब्रेन्स का बना हुआ है, ये बीच बीच में शेड ऑफ होता रहता है, मतलब निकलता रहता है, ठीक है ना, ऐसे शेड ऑफ होता रहता है, टूटता रहता है, इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स निकलती रहती हैं और नए नए जो है डेवलपमेंट होता रहता है इनका मेम्ब्रेन्स का। तो जो टूटी हुई या शेड ऑफ जो आउटर सेगमेंट है उसको ये एनगल्फ कर लेती है, खाने का काम कर लेती है, ठीक है, और उसमें बहुत विटामिन ए भी है, क्योंकि यहाँ पे जो विटामिन ए भी होता है, विटामिन ए रोडोप्सिन से टूट के विटामिन ए है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और फिर उस विटामिन ए को मतलब स्टोर करके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर फिर काम से देती है, तो उसकी रिसाइकिलिंग भी करती है ये, है ना, रिसाइकिलिंग होगी ना, कोई चीज़ टूटी तो एक्स्ट्रा चीज़ को उसने इकट्ठा करके रख लिया और जब ज़रूरत पड़ी तो फिर दे दिया, ठीक है। विटामिन ए से जो है वो रोडोप्सिन है, अभी आप रोडोप्सिन आप उसमें पढ़ेंगे फोटो ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म में, तो रोडोप्सिन जो है वो फोटो पिगमेंट होता है, उसमें विटामिन ए काफ़ी होता है, इसलिए हमारी आई के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि विजन में विटामिन ए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे रोडोप्सिन बना हुआ है। तो इसमें ये हो गया काम, ब्लरिंग ऑफ विजन को प्रिवेंट करना, रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करना, फैगोसाइटोसिस का काम हो गया और विटामिन ए का स्टोरेज करके रखने का काम हो गया। ओके जी, अब हमने पढ़ लिए ग्लियल सेल्स एंड मूलर सेल्स, हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है ये, इसमें एक मैकेनिज्म होती है आई की लेयर्स में, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या चीज़ होती है, कन्वर्जेंस मतलब होता है बहुत ऐसे, जैसे लाइट्स कहीं चारों तरफ से आ रही है उनको एक जगह मिलाने को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अलग अलग बहुत सारी जगह से एक जगह ला के इकट्ठा कर देना, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे बात करें, ये यहाँ पर आई है सब, कुछ भी इनपुट दे रहा है कुछ भी दे रहा है, इसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। एक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या मैकेनिज्म होती है कि ये डाइवर्जेंस होता है, मतलब एक ही चीज़ का जो है वो कई जगह में डिवाइड हो जाना या कहीं जगह कर इनपुट आउटपुट दे देना, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, है बड़े ऐसे फैल जाना। कन्वर्जेंस होता है इकट्ठा हो जाना एक जगह पे। जैसे अगर हम देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें बहुत जगह पे ना न्यूरॉन्स का कन्वर्जेंस भी होता है, डाइवर्जेंस भी होता है। जैसे सिंपली अगर मैं बात करूँ, ये एक न्यूरॉन है, जैसे कि
ठीक है, और ये इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। तो अगर इसी एक न्यूरॉन पे कई सारे एग्जॉन से आके ऐसे आउटपुट आए, कैसे भी आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर कोई सेल बॉडी पे आ रहा है, कोई डेंड्राइट्स पे आ रहा है, तो ये एक कन्वर्जेंस का फिनोमेना है। बहुत जगह से इनपुट आके यहाँ आ रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस का फिनोमेना क्या होगा? डाइवर्जेंस का फिनोमेना ये होगा कि भाई अगर इसी को एक सेल है और वो कई जगह पे ऐसे डिवाइड हो गई, जो उसने एक ही सेल ने इनपुट बहुत सारी सेल्स को दे दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो है डाइवर्जेंस होगा। अब देखो, याद रखने की बात है, कन्वर्जेंस कब हो सकता है? जब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो, यानी कि जो अगला स्टेप है सेल्स का, न्यूरॉन्स का, जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप जा रहे हो, अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, है ना। ऐसे और भी चल रहे होंगे, मतलब और अगर ऊपर सेल कम हो, लेस हो ऊपर और नीचे ज़्यादा हो, तो डाइवर्जेंस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, पर जैसे ब्रेन में तो क्या होता है, हर बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, एक ही न्यूरॉन पे बहुत जगह से इनपुट भी आते हैं ब्रेन में, और एक ही न्यूरॉन कई जैसे न्यूरॉन्स को आउटपुट भी देता है, जिससे कि मॉडिफिकेशंस हो सके इम्पल्सिस का और हमारा पूरे ब्रेन की एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेटेड रह सके। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सब कुछ होता है। अब आई में हम जो बात करेंगे, यहाँ के लेवल पे पहले क्या हो रहा है, रेटिना के लेवल पे क्या हो रहा है। तो देखो, जैसे ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसे ही यहाँ पर और भी न्यूरॉन्स हैं, तो वहां पर भी ऐसी बहुत सारी सेल्स जो हैं इस तरीके से कर रही होंगी, कुछ कुछ का ऐसे, ये देखो इसका डाइवर्जेंस भी हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ होता क्या है, जो रॉड्स हैं हमारी वो 120 मिलियन हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कौन से हमारे वो 6 मिलियंस हैं। ये याद रखना है कि क्वेश्चन है एमसीक्यू का, रॉड्स एंड कॉन्स लगभग कितने कितने होते हैं। तो 120 मिलियन रॉड्स होते हैं, रॉड्स ज़्यादा होते हैं, कॉन्स हमारे में कम होते हैं, ठीक है, वो हमारे 6 मिलियन कॉन्स होते हैं। बाइपोलर सेल्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन होती हैं, वैसे नया नया नंबर डिस्कवर भी होता जा रहा है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो जाती है, उसके नंबर जो है ना कई बार अलग अलग आर्टिकल में, पुरानी बुक्स में, नई बुक्स में थोड़ा डिफरेंट भी दे रखा है, बट ये अप्रोक्सीमेटली मान लो तो इसमें 10 मिलियन लगभग होता है। गैंग्लियन सेल्स हमारी जो होती हैं वो 1 to 1.2 मिलियन होती हैं, किसी बुक में 1 मिलियन दे रखा है, किसी में 1.2 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 to 1.2 मिलियन याद रख लो। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखो, रॉड्स एंड कॉन्स 126 होगी कुल मिला के, फोटो रिसेप्टर्स टोटल कितने हो गए, 126, उसके बाद जो है यहाँ पे कम मिल रहे हैं और उसके बाद और कम मिल रहे हैं। तो अगर हम रेशो की बात करें, 126 फाइनली 1 मिलियन पे जाके चली गई या 1.2 मिलियन पे जाके चली गई, तो ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, मैंने बताया था अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंस फिनोमेना कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि मल्टीपल जो न्यूरॉन्स हैं उनको लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर जाकर मतलब आउटपुट देना पड़ेगा, है ना, आउटपुट हो गया इनका आउटपुट हो गया। तो नंबर ऑफ सेल्स ऊपर ज़्यादा है फिर कम है, तो बहुत सारी सेल्स, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो एक क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन को इनपुट दे रही हैं, मतलब इसके लिए, इनके लिए आउटपुट हो गया, इनके लिए इनपुट हो गया, तो बहुत सारी सेल्स जो है वो एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, ये कन्वर्जेंस फिनोमेना है। तो क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यही तो आएंगे ना फोटो रिसेप्टर्स, तो यही है, यहीं पे मेम्ब्रेन पे, यहीं पे आउटर मेम्ब्रेन पर ही आपका लाइट आनी है, यहीं से मैकेनिज्म शुरू होनी है, फिर इम्पल्स जाएगी यहाँ जनरेट होगी बाइपोलर सेल्स पे, मतलब सॉरी रॉड्स एंड कॉन्स पे, फिर उसके बाद वो पास होगी बाइपोलर पे, फिर पास होगी वो गैंग्लियन सेल्स पे। तो क्योंकि ऊपर से नीचे 126 पे 10 मिलियन पे जाके सिनेप्स कर रही है, सिनेप्स हो गया ना, फिर ये जो 10 मिलियन है ये जाके 1 to 1.2 मिलियन पे सिनेप्स कर रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ पर देखो तो रेशो क्या रहा है, लगभग 100:1 का रेशो है, यानी कि करीब 100 रॉड्स एंड कॉन्स, यानी 100 फोटो रिसेप्टर्स एक फोटो रिसेप्टर्स पे जाकर फाइनली स्नैप्स करते हैं, है ना। मतलब बीच में ठीक है बाइपोलर सेल्स को छोड़ दो, अगर हम परसेंटेज देखें कि यहाँ से अगर 100 में इंपल्स जनरेट होती है तो फाइनली इसको लेके जाने वाला कौन है, वन है, वन गैंग्लियन सेल्स को ले जाने वाला है, तो इसको हम कन्वर्जेंस फिनोमेना कहते हैं। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन है कि रॉड्स एंड कॉन्स में कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, या फिर क्या होता है, दोनों होते हैं, तो कन्वर्जेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी बहुत सारी जो है कम पे जाके करती है, रीज़न क्या है, वो ज़्यादा है
वो और कम है, वो और कम है। रेशो वाइज पूछे, नंबर वाइज पूछे, तो ये डिजिट्स आप याद रख लो, क्वेश्चन किसी भी तरह से एमसीक्यू का बनाया जाता है। ये रेशो इंपॉर्टेंट है, 100:1 का कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे आगे बात करूँ, रेटिना से बाहर निकल गई नर्व्स, देखो एक गैंग्लियन सेल से ऐसे ही एक नर्व फाइबर बनना है, तो उसके बाद ऑप्टिक नर्व बनेगा, तो जो नर्व फाइबर्स हैं वो कितने हुए, वो भी 1 to 1.2 million हुए, ठीक है। नर्व फाइबर्स अगर मैं बात करूँ, ऑप्टिक नर्व एक है, नर्व फाइबर्स 1 to 1.2 हुए। लेकिन आगे आप जब एक वीडियो में पढ़ेंगे ऑप्टिक ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, अब आइस को जाकर ब्रेन तक पहुंचाना है, उसके लिए रास्ता होना चाहिए, वो रास्ते को हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट है, रास्ता है, और तब जाके फाइनल ब्रेन में पहुंचाना है। तो वहां पर आपको देखेंगे कि अब जो एग्जॉन्स हैं वो आगे जा जाके ना जेनिकुलो कैलकरेन ट्रैक्ट आएगा। जेनिकुलो कैलकरेन ट्रैक्ट में इस ऑप्टिक नर्व से लगभग डबल नर्व फाइबर्स होते हैं। तो अब कम से ज़्यादा में आया, कम से ज़्यादा में आया तो क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस होगा। और अगर विजुअल कॉर्टेक्स में बात करें तो जो ये ऑप्टिक नर्व में जितने फाइबर्स हैं, विजुअल कॉर्टेक्स में उसके 1000 गुना फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसको भी याद रख लो, यहाँ पर बेटर रहेगा। तो यहाँ पर रेटिना के लेवल पे तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है। लेकिन अगर रेटिना से हम बाहर चलें, आगे ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाएं और फाइनल विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएं, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस होगा। क्यों होगा डाइवर्जेंस? क्योंकि जो यहाँ पर नर्व फाइबर्स हैं, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं या गैंग्लियन सेल्स हैं, वो कितनी हैं, 1 to 1.2 million हैं। और आगे आपका जेनिकुलो कैलकराइन ट्रैक्ट आएगा, जेनिकुलो कैलकराइन ट्रैक्ट, उस जेनिकुलो कैलकराइन ट्रैक्ट या जेनिकुलो कैलकराइन फाइबर्स होते हैं, वहाँ पर डबल द नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं, यानी इनके डबल होते हैं, यानी कि 2 to 2.4 हो गए, ठीक है ना, मिलियंस में। और जब विजुअल कॉर्टेक्स की बात करें, विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स आपका ऑक्सीपिटल लोब में होता है, यानी हमारे सिर में यहाँ पीछे जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है, वहीं पर विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जहाँ से हम प्रोसेसिंग होती है, फाइनली दिखता है। ये करीब 1000 times है, 1000 times ऑफ वॉट, 1000 times ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। फाइबर्स की बात कर रहे हैं, नर्व्स की नहीं, ध्यान रखना, नर्व्स एक है, एक आई से एक बन रही है। ये ईच आई की बात कर रहे हैं हम, ईच आई में इतना है, ये भी हम ईच आई की बात कर रहे हैं, दोनों आई की बात करें डबल हो जाएंगे, एक एक आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें तो कन्वर्जेंस हो रहा है, लेकिन जब आई से आप बाहर निकलोगे ऑप्टिक नर्व फाइबर के बाद और आप ट्रैक्ट पे जाओगे, तो वहाँ पर डाइवर्जेंस होता है। तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑप्टिक जो मतलब आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है उसमें कितने नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं, तो उसका आंसर होगा दे आर 1000 times, उसमें टाइम्स दे सकता है कितने, 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, तो दे आर 1000 times एज कंपेयर टू ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। जेनिकुलो कैलकुलेन ट्रैक्ट में कितने होते हैं, तो दे आर 1 to 2.2, मतलब डबल द नंबर, ठीक है ना। बाकी मिलियंस में भी पूछ सकते हैं, तो आप अपना आंसर लगा सकते हो। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस फिनोमेना आपको समझ आ गया है, रेज कैसे पास होती हैं वो आपको समझ आ गया है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक डिस्क, मैकुला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस एंड क्लिनिकल पॉइंट्स, तो ये हम अपनी आगे की दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।